our hearts beat to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light. Pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, every shot from the top. We're gonna be two hearts running wild. So loud as the hours pass, we're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light. Pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. फाइनली मैं पहुंच चुकी हूं म्यूनिक जर्मनी एंड बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल सफ़र रहा मेरा. लुफ्तांसा एयरलाइंस काफ़ी स्पेशियस है एंड वॉशरूम्स वगैरह भी क्लीन थे एंड मील वगैरह भी बहुत ज़्यादा टेस्टी थे. तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसके बारे में मैं कंप्लेन कर सकती हूँ लुफ्तांसा एयरलाइंस को लेकर. बस ये था कि एक घंटे फ्लाइट डिले हो गई थी, बट दैट डजेंट मैटर क्योंकि जो मेरा ले ओवर है यहाँ पर वो थोड़ा सा लंबा ही है जो मेरी अगली फ़्लाइट है उसके लिए. सो मुझे ज़्यादा कोई लॉस हुआ नहीं है डिले होने का भी. अपार्ट फ्रॉम दैट गाइज, जो फ़्लाइट थी वो थी मेरी 6:30 घंटे की. तो क्योंकि वो इंडिया से 1 घंटे लेट चली थी 2:15 पर, तो वो यहाँ पे म्यूनिक में भी लेट लैंड हुई है 1 घंटा. सो अभी म्यूनिक में हो रहे हैं 8:00. सो आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन होगी अगर आप फर्स्ट टाइम यूनिवर्स इंटरनेशनली ट्रैवल कर रहे हैं जहाँ पे टाइम जोन डिफरेंस होता है. जैसे मुझे भी अभी हो रही है कि अभी इंडिया में 10:30-11:15 बज रहे हैं और यहाँ पे 8:00 बज रहे हैं. सो थोड़ा सा कन्फ्यूजन है. टोरंटो में अभी कुछ और टाइम हुआ होगा. सो इट्स ओके, डजेंट मैटर. आई मीन आपको बस यहाँ पे जो स्क्रीन्स लगी होती हैं उसको ध्यान से कभी कभी पढ़ना है कि वहाँ पे क्या लिखा है, क्या आपका गेट चेंज तो नहीं हुआ. वैसे तो वो अपडेट्स देते हैं लेकिन जो इंडियन सिम होती है वो यहाँ पे आके चलेगी नहीं, तो आपको कोई मैसेज नहीं आएगा. मेल के लिए भी आपको इंटरनेट एक्सेस होना चाहिए. सो मैं अभी पता करने वाली हूँ कि यहाँ पे वाईफाई अगर मुझे मिलता है, अगर मिलता है तो मैं आपको भी बताऊँगी, नहीं मिलता है तो भी आपको बताऊँगी, ताकि एक सेकेंड ऑप्शन होना चाहिए. बिना इंटरनेट के 8-9 घंटे बिताना ले ओवर के थोड़ा मुश्किल हो जाता है. सो मैं वो पता कर रही हूँ. तो जो मेरी नेक्स्ट फ्लाइट है वो है गेट नंबर H से, तो मैं अब गेट नंबर 8 की तरफ प्रोसीड करने वाली हूँ. तो चलिए चलते हैं. To the city streets, we begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun. She puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light. Pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, every shot from the top. We're gonna be two hearts running wild.
कैसे लग रहे पराठे मेरे सासू माँ के हाथों के? टेस्टी। शायद मैं आवाज ना। थैंक्स टू योर मदर इन लॉ। थैंक यू सो मच। के आंटी बढ़िया स्वाद? बढ़िया बहुत। गाइस अपने गेट नंबर एच पे मैं पहुंच गई थी, तो वहां पे जो हमारा बोर्डिंग पास होता है वहां पे सिर्फ ए बी सी डी ऐसे करके एच लिखा हुआ था, एंड एच में भी बहुत सारे यू नो नंबर्स होते हैं, जैसे 1, 2, 3 से लेके अप्रॉक्सीमेटली 100 तक यहां पे गेट्स हैं। सो हमें एयरपोर्ट स्टाफ को पूछना पड़ा था कि एग्जैक्टली हमें किस गेट पे जाना है, तो उन्होंने हमें बताया कि मेरा उन्होंने बोर्डिंग पास देखा और देख के बताया कि मुझे 44 नंबर गेट पे जाना है, तो मेरा नंबर है H44। सो यहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही थी बिकॉज बोर्डिंग पास पे उन्होंने क्लियरली मेंशन नहीं करा हुआ था। अपार्ट फ्रॉम दैट एयरपोर्ट बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, मैंने थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करा था बट थोड़ा टायर्ड हूँ तो मैंने सबसे पहले ब्रेकफास्ट कर लिया था। ऑल्सो इंडिया जर्मनी से थोड़ा आगे है, सो 4-4.5 घंटे का फ़र्क है आई गेस इंडिया और जर्मनी में। सो बस यही है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा था टाइम जोन को लेकर, बट फिर जो हमारे फ़ोन में क्लॉक ऑप्शन होता है मैंने उसमें जर्मनी को ऐड कर लिया, टोरंटो को ऐड करा हुआ था पहले से ही और इंडिया तो था ही, सो अभी थोड़ा सा आइडिया हो गया है कि कितना डिफरेंस है दोनों में। बस अपार्ट फ्रॉम दैट फ्रेशन अप हो गई थी, खाना वीना खा लिया है, अब रिक्लाइनर्स अवेलेबल हैं यहाँ पर एयरपोर्ट पे, तो मैं सोच रही हूँ कि वहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट कर लिया जाए एंड देन बोर्डिंग से पहले मैं चली जाऊँगी अपने गेट पर। तो यहाँ के वॉशरूम्स में मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ दिखाती हूँ जो शायद आपको हर एयरपोर्ट के वॉशरूम्स पे नहीं दिखेगा। सो वो ये चीज़ है कि तो जैसे कि आपने यहाँ पे हाथ धो लिए, ठीक है, ऑटोमेटिक टैप्स हैं यहाँ पे, तो आपको बस इस टिश्यू पेपर को हल्का सा टच करना है और ये अपने आप नीचे रोल सेंड कर देंगे। टिश्यूज भी बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं, थोड़ा सा क्लॉथ काइंड ऑफ मटेरियल है, एंड जब आप इसे छोड़ेंगे ये ऑटोमेटिकली अंदर चला जाएगा एंड साफ टिश्यू यहाँ पे आ जाएंगे। सो ये मुझे एक अच्छी बात लगी है यहाँ पे। As the chemicals they take us higher, the night's young, it has just begun, as she puts her hand in mine. सो गाइज मैं पहुंच चुकी हूं अपने गेट H44 पे एंड अब यहां से मेरी फ़्लाइट है टोरंटो के लिए, बस बोर्डिंग होना बाकी है। बोर्डिंग से पहले इनके यहां पे कोई डॉक्यूमेंट चेकिंग होती है जहां पे आपको अपना पासपोर्ट और बोर्डिंग पास दिखाना होता है, तो वो एक स्टिकर लगा के आपको दे देते हैं, उस अप्रूवल के बाद आप जो प्लेन है वो बोर्ड कर सकते हो। तो जैसे कि आप जानते हैं म्यूनिक में जो मेरा स्टे था इट वॉज अप्रॉक्सीमेटली ऑफ 8.5 hours to 9 hours, सो यहाँ पे वाईफाई कनेक्ट हो गया था तो वो एक अच्छी चीज़ हो गई जिसकी वजह से टाइम पास अच्छे से हो गया एंड रिक्लाइनर्स वगैरह भी थे तो हमने अच्छे से रेस्ट कर ली। फिर मैंने अपना आउटफिट भी चेंज कर लिया बिकॉज कल से वही कपड़े पहने हुए थे, सो बहुत ज़्यादा यू नो ऐसा रखा था कि थोड़ा सा फ्रेशन अप हो जाए, तो मैंने अपना आउटफिट भी चेंज कर लिया था, एक हैंडी आउटफिट रखा हुआ था मैंने अपने केबिन बैग में। सो ये चीज़ें हो चुकी हैं। अगली जो मेरी यहाँ से फ़्लाइट है वो 9 घंटे की है एंड म्यूनिक के हिसाब से इट इज़ एट 3:55 PM, जो टोरंटो के टाइमिंग के हिसाब से टोरंटो पे 6:35 PM को रीच हो जाएगी। सो बस अब ये लास्ट का सफ़र रह गया, बस ये जल्दी जल्दी हो जाए और मैं पहुँच जाऊँ टोरंटो। सो आई एम वेरी एक्साइटेड, फिंगर्स क्रॉस, देखते क्या होता है।
गाइस, मैं फाइनली पहुंच चुकी हूं टोरंटो के एयरपोर्ट पर। एंड फ्लाइट जो थी वो ये वाली भी 1 घंटे लेट थी, तो मैं बस फ्लाइट से उतर के भाग रही हूं, क्योंकि जब हमने फ़्लाइट बोर्ड की थी इट वाज ऑन टाइम। फ्लाइट में बोर्ड करने के बाद जब सिग्नल वगैरह चला गया तब कुछ एयर ट्रैफिक की वजह से उन्होंने फ़्लाइट डिले कर दी थी 50 मिनट से। सो 1 घंटा फ्लाइट लेट है, पहुंच चुकी हूँ। आई गेस नवनीत लोग आ गए होंगे या फिर यू नो रास्ते में होंगे, वेट कर रहे होंगे। तो मैं फटाफट से पहले अपने सामान लूँगी, इमिग्रेशन वगैरह करवा लूँगी एंड ट्राई करती हूँ वाईफाई कनेक्ट करके। अगर वाईफाई कनेक्ट हो जाता है तो मैं उनको इन्फॉर्म कर दूँगी अपना लोकेशन वगैरह स्टेटस की क्या चल रहा है अभी। सो या बहुत खुशी हो रही है, पर बस अभी भाग रही हूँ, सामान ले लेती हूँ, फिर मैं आपसे बात करती हूँ, ठीक है। सो आप वॉलमार्ट तो बाहर आके आए हैं, उन्हें अमन दी खिची तैयारी खिची हुई है। अपा इन्ने टाइम बाद हमने आप केक लेके आ चुके हैं। आ फोटो है देखो भाई, एग्जाम्पल अस्त तुम दिखाइए, सारी फोटो नहीं दिखाऊंगा, बहुत सारी हैं। इन्हें आप एक डिजाइन जहाँ बनावे रूम से जावे, यू नो डिफरेंट आइडिया, मतलब नॉट इट्स कॉमन आइडिया बट ठीक है। रियली एक्साइटेड, अमन लैंड हो चुकी है, जस्ट उन्हें वीडियो कॉल हुई है मेरी। तो ओंकार हूँ मैं ऐसे वॉलमार्ट से निकल के फटाफट करे चल रहे हैं। मैं क्या जिमें तुसी पहुँचे, अमन ने कहा है कि जिमें थोड़ा इमीग्रेशन जहा हो गया तुम फोन लाओ, असं निकल जाना करो। अद्धा घंटे का राह है, आई थिंक प्रिटी क्लोज एयरपोर्ट तो टाइम लग जाता, इस करके असं निकले नहीं अजय। तो उन्हें फटाफट जाके फोटो लावे, थोनू असं बाद सैलीब्रेट जो करा वेलकम करा अमन का, उदो ही फाइनल थोड़ा दिखावे कि आप करिए। सो आ साडा मेरा भरा है भी ओंकार, ओंकार भूआ का मुंडा। सो विल सी, वेरी एक्साइटेड, सारे जने बैठे हुए सब तैयार हो चुके घरें। एंड मतलब घर का तैयार होया, लग रहा है कि उनका गर्मी भी बड़ी हुई भी है, बट हम थोड़ा मौसम ठीक हो रहा है ना, काइंड ऑफ रात हो रही है। यू वॉन्ट इमेजिन इन धुप मेरे मुँह तो दस रही होनी है, बट हुणे हो रहे हैं 8:15, ऑलमोस्ट 8:30 होने वाले। कैन यू इमेजिन, इंडिया चाहे नहीं होंगे, कैनेडा चुनता है समर्स। सो एनी वेज रियली एक्साइटेड, मिलते हैं बाद। ओके सो गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं इमिग्रेशन के लिए गई थी, तो इमिग्रेशन के लिए 2 लाइनें हैं। सबसे पहले जहाँ पे आपका पासपोर्ट वगैरह स्कैन होगा, और वो एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन काइंड ऑफ है, आपका पासपोर्ट वो जो स्कैनर होता है वही स्कैन कर देगा। एंड देन आगे चल के बस आपको पूछा जाएगा कि आप क्यों आए हैं कैनेडा। उसके बाद अगर मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, जैसे मैं न्यू कमर थी तो मुझे एक और इमिग्रेशन लाइन में भेजा गया, जहाँ पे दे एक्चुअली वेरीफाई कि आप जो बोल रहे हैं वो सही है कि नहीं। फिर आपको वो जो वीज़ा का पेपर जो आपको VFS से वापस आया होता है IRCC के द्वारा, वो चेक करते हैं अच्छे से। आप कहाँ जा रहे हैं उसका एड्रेस आप याद करके जाइएगा या कहीं पर लिख के जाइएगा, तो वो लोग वो भी चेक करेंगे कि आप कहाँ जा रहे हैं, पूछते हैं कि फैमिली में कौन कौन है, जैसे मुझे पूछा गया था। सो ये सारे बेसिक क्वेश्चंस थे। बस इमिग्रेशन हुआ, उसके बाद मैंने अपने बेल्ट पे आके अपना सामान ले लिया एंड बस नवनीत से भी अभी बात हुई है, ही इज़ ऑन हिज वे, ऑलमोस्ट पहुँच ही गए हैं। तो मैं अब प्रोसीड कर रही हूँ एग्ज़िट की तरफ। एक्सपीरियंस मेरा कैसा रहा वो मैं उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगी। तो अगर आप ऐसी कोई वीडियो देखना चाहते हैं जहाँ पे मैं आपको फेयर डिटेल्स बताऊँ, फ़्लाइट में कितना लगा, फ्लाइट का एक्सपीरियंस कैसा था, लुफ्तांसा एयरलाइंस कैसी थी, ये सारी चीज़ें बताऊँ, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा, मैं एक उसके लिए अलग से वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। सो फिलहाल ये सारा सामान ले लिया है, अब बाहर की तरफ प्रोसीड करते हैं। एंड आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड, आई मीन फाइनली, मतलब कब से सोचा था कनाडा कनाडा कनाडा, फाइनली कनाडा पहुंच चुके हैं। सो यस, अब देखते हैं नवनीत को मिलूंगी एंड घर चलेंगे। सो या चलिए चलते हैं, आप भी चलिए। सो गाइस, ये वो जगह है जहाँ वहाँ से आप एग्जिट लेते हो, तो यहाँ से आएंगे नवनीत लोग मुझे लेने के लिए, गाड़ियाँ वगैरह उधर से निकल रही हैं। तो ये रहा XYZ जो कि कोड है यहाँ का टोरंटो का, एंड एयरपोर्ट कुछ ऐसा दिखता है। सो
सो यहाँ से आप ऊपर जाएंगे तो आपको ट्रेन्स मिलेंगी, होटल्स मिलेंगे, बाहर पार्किंग वैली है। सो या एयरपोर्ट तो काफ़ी अच्छा है, बस अब मैं उनका वेट कर रही हूँ। सो गाइस, नवनीत आ गए हैं, मुझे दिख रहे हैं यहाँ से बाहर। सो ही इज़ गोना कम इनसाइड नाउ एंड आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड। ओह माय गॉड, मैं रो या हंसू समझ नहीं आ रहा। पापी थोड़ा रोंद हुए मुँह लेना सीखा, मैं ले नहीं पा रहे। तुम मुँह को मारे हो बार बार। और कितना अंकल? मैं तो बहुत बढ़िया बढ़िया। आ जाओ, वेलकम वेलकम हो गया। थैंक यू सो मच। मैडम आजा। सॉरी, वी आर कैनेडियन नाउ। सॉरी सॉरी, ओ गड्डी है क्या? ओ माय गॉड, होप यू लाइक इट। बहुत इधर से केक पे भी पढ़ो क्या लिखा है। लिखा है ओह अब पता से लिखा है भाई साहब ने। लिखा है 500 सब्सक्राइबर।